हम कितनी भी कोशिश करें तेज भागने की, पर लाइफ कई बार ऐसा रीसेट बटन प्रेस करती है कि फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हमारी सारी प्लानिंग किसी काम नहीं आती। और अगर डीपली सोचे तो ऐसा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो एक पोज आता है उसी से हम लोग रिलैक्स होने और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को। तो पिछले 2 वीक मेरे लिए कुछ ऐसे ही रहे। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर और मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था कि वायरल फीवर ऐसा भी होता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो साल 6 महीने में कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं, और वो भी सिंपली 1-2 दिन का बुखार हुआ, दैट्स इट। बट दिस टाइम इट हिटेड मी हार्ड। आई हैड नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ पेन एंड वीकनेस। और चीज़ें तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं जब आप अकेले होते हो। आई हैव टू हैंडल थिंग्स ऑल अलोन विद 2 kids, पर बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा टेक केयर किया, एंड स्टिल दे आर डूइंग। मुश्किल ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि बच्चों के भी एग्जाम चल रहे थे, सो इट बिकम अ लिटल केओटिक। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं बट मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझसे फ़ोन की तरफ भी ज़्यादा नहीं देखा जा रहा था। फ़ोन ऑन करते ही मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने ये जो टाइम था पूरा एक ब्रेक के जैसा लिया, चीज़ों को बहुत गहराई से एनालाइज किया। लाइफ को एक देखने का ना आपका नज़रिया बदल जाता है जब आपको एक पोज मिलता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा रुक कर चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेकर चलते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, क्योंकि मेरी भी हैबिट थी, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में जर्नल टेस्ट नहीं करवाए थे बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब बीमारी की वजह से वो सब टेस्ट मुझे करवाने पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, हमारी बॉडी किस कंडीशन में चल रही है, क्या चीज़ की कमी है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों की वजह से ही मेरी काफ़ी फूड हैबिट्स भी चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता चला है, कोलेस्ट्रॉल हाई है या तो फिर कोई और दिक्कत है, या आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपना इस तरह से टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना लाइफस्टाइल भी प्लान करते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप लोग भी इग्नोर कर रहे हैं मेरी तरह अपनी हेल्थ को, तो प्लीज़ मत कीजिए, अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक सर्टेन एज आने के बाद हमें अलग तरह से ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी उतनी अच्छी तरह से रफ एंड टफ वे में नहीं चल सकती। मोस्टली हम होम मेकर यही गलती करती हैं कि अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को सबसे बैकफुट पर रखती हैं। घर में हर चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं, घर में हर एक की हेल्थ का हम ध्यान रखते हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, अपने घर की सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। और मैं बोलूँगी, अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम किसी भी दूसरी चीज़ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, इवन दूसरी चीज़ किसी काम की भी नहीं है अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अपने लाइफस्टाइल में ये सब चेंजेस करना ज़रूरी है। जो चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं हमें, कि हम क्या खा रहे हैं, किस टाइम पर खा रहे हैं, कब हम सो रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज का रूटीन क्या है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें सब मिलकर इतनी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, हमारी हेल्थ को इतना नेगेटिव वे में अफेक्ट करती हैं। और फिर इन सब से रिकवर होने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए कि टाइमली ही अपनी चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएँ, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएँ। आप में से बहुत से लोग मेरी ही तरह करते होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा काम का पेन लेती थी, हर एक चीज़ अपने आप से करना, हर एक चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए, और उसमें हम लोगों की हेल्प भी लेना भूल जाते हैं। तो अब मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में किए हैं, जहाँ पर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मैं हेल्प लेती हूँ, बच्चों से या जिस भी तरह की बाहर की भी हेल्प मुझे मिल सके, और जितना काम मैं आराम से कर पाती हूँ मैं उतना ही काम करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मल्टीपल क्लिप शेयर कर रही हूँ, जो भी थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रेगुलर उस तरह से व्लॉगिंग या वीडियो मेकिंग नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह से मैं यूजुअली करती थी। जो भी क्लीनिंग वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती थी, आई नो मैंने आप लोगों को प्रोमिस भी किया था कि मैं आपको अपना पूरा क्लीनिंग रूटीन दिखाऊँगी। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, उन सब की क्लीनिंग मुझे करनी थी, बट मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे जितने टाइम इंटरवल पे मैं कर पाऊँ आप लोगों के साथ मेरा सारा रूटीन शेयर करूं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं एक कसक ज़रूर होती है, बार त्यौहार शुरू होने वाले हैं और हम वो सब चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। बट मेरे लिए मानना यही है कि हमारी सेहत सबसे पहले नंबर पर है,
जब ये चीज़ें रिकवर मैं कर पाऊंगी, अच्छे तरह से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उन सब चीज़ों पर भी मैं ध्यान दूंगी। ये जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पिछले 4 से 5 दिनों की है। सब कुछ मिक्स करके मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं अच्छा फील करने लगी हूँ, तो धीरे धीरे उठ के मैंने घर की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। पूरे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह हो चुकी है, बट इट्स ओके। अब जैसे जैसे मैं ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि किस तरह से प्लानिंग करके मैं कर सकती हूँ, और जितना मैं कर पा रही हूँ उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। काफ़ी वेट लॉस भी हुआ है मेरा। सोचने को तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ से खुश भी हूँ, बट ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए नेगेटिव हो जाता है इतनी तेज़ी से वेट लॉस होना। बट इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट भी हुआ है। मेरी कुछ बुरी आदतें जो मैंने छोड़ी हैं, एंड आई नो आप में से भी कुछ लोगों के अंदर वो होगी कि हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं, दिन में जाने कितनी बार चाय पीते हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ी टी लवर हूँ। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, थकान होती है, खुशी होती है, हर एक चीज़ को हम चाय से इंजॉय करते हैं, और वही चीज़ हमारे लिए सबसे बुरी साबित होती है, जो कि अभी पिछले दिनों ही मुझे पता चला है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं चाय को जितना हो सके उतना छोड़ पाऊँ। पूरी तरह से छोड़ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को कैफीन की हैबिट हो जाती है। बट अब मॉर्निंग टी मैं नहीं लेती हूँ, सुबह उठ के खाली पेट की चाय मैंने बंद कर दी है। दिन में कभी कभार मैं एक कप चाय ले लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब मेरे हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा कैफीन की रिक्वायरमेंट फील होती है, तब मैं खाली वो चाय पीती हूँ। तो अब चीज़ें इस तरह से धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं, एंड आई होप कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, चीकू मेरी हेल्प कर रहा है। आजकल बच्चों को ज़्यादा ही लगने लगा है कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हर जगह कहीं ना कहीं जितना हो सके उनसे कोशिश करते हैं मेरी हेल्प करने की। तो बस ये साफ़ सफाई हमारी चल रही है, क्योंकि सोफ़े की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इसको बड़े अच्छे तरीके से क्लीन मैं बाद में करूँगी, जब मैं दिवाली की सफाई करूँगी। तो फिलहाल हमने हल्का फुल्का क्लीनिंग कर दी थी, और यहाँ पर ये सब मेरी दवाइयाँ हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से बेडरूम में ही थी, तो इन सब को भी मैं समेट कर रख रही हूँ। जब सामने इस तरह से दवाइयाँ दिखती रहती है ना, तो एक अजीब सी फीलिंग आती रहती है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बार बार वो फेज़ आपके सामने आ जाता है जब आपकी कंडीशन ख़राब थी। जितनी भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सब मैं संभाल कर रख रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकूँ, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ, और फिर ये रिपोर्ट्स के साथ मैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट कंपेयर करूँगी, कितनी चीज़ों को किस तरह से मैं डील कर पाई अच्छे तरीके से। तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके मैं धीरे धीरे रूम की क्लीनिंग भी कर रही थी, क्योंकि मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। जब आप बीमार होते हैं तो एक अलग तरह की नेगेटिव वाइब हो जाती है पूरे घर में ही, पूरे रूम में ही। तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। थोड़ा सा कभी कभार मैं कपूर जला देती हूँ लौंग डालकर, और यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से यही बेडशीट है। और जब हम बीमार होते हैं ना, तो एक अलग सी ही स्मेल हो जाती है पूरे रूम में, हर जगह पर। वो जो दवाइयों की स्मेल होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो अभी मैं बीमार हो गई, ठीक हुई हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से इरिटेशन होती है। नेचर भी मेरा काफ़ी कुछ चिड़चिड़ा हो गया है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पर मुझे गुस्सा आता रहता है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों से डील कर पाऊँ, अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड आई नो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत अच्छे अच्छे DMs आप लोगों के मुझे मिले हैं, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है आप लोगों ने। बस इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं इसी तरह काम करती रहूँ, कॉन्टिन्यू आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाती रहूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो भी हम काम कर रहे होते हैं अपने करियर में, फिर आप यूट्यूब कर रहे हैं या तो कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दोबारा खड़े होकर फिर से अपना रूटीन सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक वो वजह बन जाता है जिसके लिए आप फिर से काम करना, अपने आप को फिट रखना शुरू करते हैं। अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर बिजी नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा लेजी और लेथार्जिक हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत ही इजी गोइंग लेना शुरू कर देते हैं, उतना ध्यान अपने आप पर, सब चीज़ों पर देना बंद कर देते हैं। तो मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग के जैसी है, क्योंकि मैं कब से ही वेट कर रही थी कब मैं ठीक हो जाऊं और कब मैं फिर से अपने YouTube वीडियोस बनाना शुरू करूं। आप लोगों के कमेंट्स आए, मैं उन सबको पढ़ूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करके।
तो ये देखिए बेडशीट चेंज हो गई है, पूरे रूम का लुक चेंज हो गया और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे बेडशीट चेंज होने के बाद, काफ़ी फ्रेश फीलिंग आती है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को कुछ मेरे लाइफ के अपडेट मिल गए होंगे और मैं कोशिश करूंगी कि अपने रूटीन वीडियो जल्दी से लेके आ पाऊँ। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का मेरा सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।